हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भूमिका किचन। आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा, और भी गाजर को बिना घी से, बिना छोटे छोटे टुकड़ों में कट किए ये हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होगा। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। आइए इंग्रीडियंट्स देख लेते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने ये 1.5 kg गाजर लिया है। गाजर आढ़े तिरछे जैसे भी हैं, सीजन में ऐसे ही मिले वैसे ही हैं। मैं इनके आगे के जड़ को काट दूंगी और इनको चाकू से या आलू छिलने वाली छिलनी से, पिलर से, इसको हम ऊपर का इसका स्किन हटा देंगे। ऐसा करते हुए मैं पूरे गाजर को साफ़ कर लूँगी ऐसे ही छिल कर, जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है, और इसके आगे पीछे दोनों साइड के किनारों को कट करके मैं निकाल दूँगी और अपने सारे गाजर को ऐसे ही करके साफ़ कर लूँगी। ये करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि गाजर में ऊपरी स्किन में धुलने के बाद भी कभी कुछ फंसा हो तो ये छिल देने से, छिलके के साथ वो डस्ट निकल जाता है। गाजर मिट्टी में होता है तो उसमें कभी कभी मिट्टी बहुत होती है, तो आप ऐसा कर लें। यहाँ मैंने गाजर को धुलकर साफ़ कर लिया, इसके स्किन ऊपरी हटा दी है। अब मैं गाजर को बस 2 टुकड़ों में छोटा कर रही हूँ ताकि वो हमारे कुकर में आराम से चला जाए। और हाँ, गाजर का हलवा मैं कुकर में बनाऊँगी और भी बहुत टेस्टी बनेगा। तो हमारा गाजर छिल कट कर तैयार है। मैंने गैस ऑन किया और गैस पर एक कुकर रख दिया। कुकर में मैं 2 टेबल स्पून घी डाल रही हूँ, ये घर का शुद्ध घी है, और ये मेल्ट होने के बाद आपको थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ये कम लगभग 3 से 4 टेबल स्पून के आसपास घी है, मेल्ट नहीं था तो 2 टेबल स्पून था। अब घी के गर्म होते ही मैं अपने जितने गाजर हैं सबको इसमें डाल दूंगी। और देखिए, मैंने गाजर को बस उतना ही छोटा किया जिससे वो कुकर में आसानी से आ जाए। अब हमारे कुकर में हमने सारे गाजर को डाल दिया है और इन्हें अच्छे से चलाते हुए कम से कम मैं इन्हें 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भुनूंगी। यहाँ मैंने 4 से 5 इलायची लिया था, उसे कूटकर छिलके के साथ ही डाल दिया है, और उससे इलायची का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, हलवे में स्वाद बहुत निखर के आएगा। यहाँ मैंने ज़रा सा नमक डाला है। नमक क्यों डाला है? मीठे चीज़ बनाओ और उसमें नमक डालो तो निखर कर उसका टेस्ट और अच्छा आता है। और इसके साथ ही गाजर नमक जाने से जल्दी से पानी छोड़ देगा और अच्छे से पकेगा, इसलिए भी मैंने नमक डाला। यहाँ थोड़ी सी चोचलेबाजी करने के लिए मैंने केसर डाला। केसर डालना पूरा ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें या स्किप करें। मैंने गाजर को मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 मिनट तक बिल्कुल घड़ी से देखकर भुना है, और बहुत अच्छे से भुना है। गाजर को जब भूनते हैं हम तो गाजर पानी छोड़ता है, और यहाँ भी वही हो रहा है, गाजर थोड़ा पानी छोड़ रहा है। और नमक डालने से गाजर, कोई भी चीज़ में नमक डालते हैं तो वो पानी छोड़ता है, और यहाँ भी वही हो रहा है, गाजर भी नमक डालने से पानी छोड़ रहा है, और गाजर का टेस्ट भी हलवे का बहुत निखर के आएगा नमक डालने से। अब मैं कुकर का ढक्कन लगा दूंगी, लीड, और इसे 2 सीटी मीडियम फ्लेम पर ही लगाऊंगी। फ्लेम को हाई लो नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पर 2 सीटी लगाऊंगी, और 2 सीटी लगने के बाद इसे मैं गैस ऑफ कर दूंगी और इसे का प्रेशर खुद से निकलने दूंगी। मैं हमें इसका प्रेशर नहीं निकालना है, जब वो प्रेशर निकल जाए तब हम कुकर के ढक्कन को खोल के चेक करेंगे। जब तक कुकर का प्रेशर निकल रहा है, हमने दूध को बैठा दिया है। ये दूध वजन में देखें, लीटर से देखें तो 1 लीटर है, और इसे उबालकर थोड़ा गाढ़ा करेंगे। दूध उबला रहेगा तो हलवा हमारा जल्दी बनकर तैयार होगा, क्योंकि हमारा गाजर भी पहले से पककर तैयार है। इसे तब तक गाढ़ा करें। अब देखिए, यहाँ हमारा प्रेशर निकल चुका है पूरी तरह से। अब हम कुकर के लीड को हटाते हैं, और यहाँ धुआं धुआं हो गया, धुआं के बाद आपको गाजर दिखाई देगी। और देखिए, हमारी गाजर कितनी अच्छी से भुनकर तैयार है, और ये देखिए, ये घी और पानी दोनों रिलीज भी की है, कितना ज़्यादा पानी रिलीज हुआ है। इसमें पानी या कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसे बस घी के साथ ही भूनना है। और देखिए, अब मैं इसको मसल के दिखाती हूँ। मैं इसे फोक से कर रही हूँ, और ये कितनी इजीली आराम से मसला जा रहा है, जो हम घंटों बैठ के कद्दूकस करते हैं, और इसी आलस में हम कितनी बार गाजर का हलवा बनाने में थोड़ा झिझक जाते हैं, वो आलस ख़त्म। हम ऐसे इसको घी में भून कर पका कर बना सकते हैं, और घी में ये भून रही है, पानी नहीं जा रहा, इसलिए गाजर का जो पानी होता है वो भी घी के साथ भूनने से सूख जाता है, और हलवे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ऐसे बनाएं आप गाजर का हलवा, बहुत अच्छा लगेगा। कम मेहनत में एक अच्छा टेस्टी हेल्दी हलवा बनकर तैयार, जो सबको पसंद आए, सबके मन को भाए। तो हमारा हलवा, तो गाजर हमारा अच्छी तरह से मैश हो चुका है, और ये हमारा उबला हुआ गाढ़ा किया हुआ दूध है। पूरा गाढ़ा नहीं हुआ है, थोड़ा ही हुआ है, लेकिन गर्म है तो ये जल्दी पकेगा। कम टाइम में हमें इसमें उबाल आ जाएगी। हमने इसे हलवे के गाजर के साथ अच्छे से मिला दिया, और अब हम इसे गाजर के साथ अच्छे से पकाएंगे, जिसमें गाजर दूध के साथ अच्छे से पककर गाढ़ा होगा, दूध भी गाढ़ा होगा। और देखिए, लगभग गाढ़ा होना शुरू हो चुका है, और ये लगभग आधा सूख भी चुका है।
इसे सुखाने में हमको कम से कम 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा और लगभग 10 मिनट बाद ये अच्छे से इतना सूख चुका है। मैं यहाँ एक टेबल स्पून घी और डाल रही हूँ और इस हलवे को मैं अच्छे से भूनूंगी ताकि गाजर में जो भी गाजर का पानी या दूध जो भी हो अच्छे से सूख जाए, क्योंकि चीनी के साथ डालते ही चीनी फिर से मेल्ट होगी और ये हलवा फिर से वैसा हो जाएगा तो अच्छे से नहीं भुन पाएगी। हमारा गाजर भुन चुका है, अब मैं यहाँ आधा कप चीनी डाल रही हूँ, मगर चीनी आप गाजर की मिठाई के ऊपर ही देख कर डालें, बहुत ज़्यादा चीनी ना डालें, चीनी टेस्ट करके डालें। कभी कभी गाजर मीठा होता है तो बहुत ज़्यादा चीनी की ज़रूरत नहीं होती है। और ये देखिए हमारा चीनी भी भुन गया है गाजर के साथ और कितना अच्छा कलर आया हलवे का। लगभग हलवा हमारा बनकर तैयार है। मैं यहाँ एक पैन रख रही हूँ और इसमें 1 टीस्पून घी डालूंगी और फिर से थोड़े से चोचलेबाजी करने के लिए मैं यहाँ थोड़े से काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश को इस घी में डालकर भून लूंगी और इसे भूनकर मैं गाजर के हलवे में डालूंगी। वैसे ड्राई फ्रूट्स की उतनी ज़रूरत नहीं होती है, आप ड्राई फ्रूट्स को वैसे भी डाल सकते हैं या घी में भून के भी डालें, लेकिन जितना अच्छा दिखेगा उतना अच्छा बिकेगा। वीडियो आप लोग पसंद करेंगे इसलिए मैं ये थोड़ी सी चोचलेबाजी कर रही हूँ। वैसे नॉर्मली घर में बनाती हूँ तो ये सब ऐसा नहीं करती, मैं ऐसे ही ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ, लेकिन आपको पसंद आए, आप मेरे वीडियो को लाइक करें इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। अब मैं इसे गाजर के हलवे मिला दूँगी और हमारा हलवा बनकर तैयार है। और यहाँ मैंने यहाँ ड्राई फ्रूट जो भुना था उसे भी मिला दिया। अब मैं इसे हलवे के साथ अच्छे से मिक्स कर दूँगी और गाजर का हलवा बनकर तैयार है। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें।